एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस इनसाइट एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन पीपीएफ एंड एसएसवाई रूल्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। लेट्स सी। न्यू रेगुलेशंस फॉर पीपीएफ एंड एसएसवाई। एज वी ऑल नो, सबसे ज्यादा प्रेफरेबल स्कीम जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली बात, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा फंड सेफ है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके कंपैरिजन में इसके अंदर हमें ज्यादा मिलता है। अगर हम इसको एफडीआई के साथ कंपेयर करें तो कुछ परसेंटेज के ऊपर ज्यादा ही रहते हैं, ठीक है। और अगर हम एसएसवाई के वहीं पर बात करें, सुकन्या समृद्धि स्कीम, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 0.5 से थोड़ा ज्यादा रहता है पीपीएफ अकाउंट के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा एनुअल। जो भी हमारे इंटरेस्ट अक्रू होते हैं तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो एग्जम्प्ट रहती है। एंड जब भी हम इसके ऊपर पैसा विड्रॉ करते हैं, जब ये मेच्योर हो जाएगा आपका अकाउंट, जब हम इससे पैसा विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर भी कहीं कोई टैक्स लाइबिलिटी जो है वो नहीं आएगी। तो इस वजह से ये जो पीपीएफ अकाउंट है ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। और जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है ये किसके लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, आप लोगों को उन्होंने गवर्नमेंट ने प्रेफर किया हुआ है कि सेम वे में जैसे आपने पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन किया हुआ है, अगर आपके गर्ल चाइल्ड है तो उस केस में आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। तो दो गर्ल चाइल्ड तक, दो सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, उससे ज्यादा ओपन करने की आपको परमिशन नहीं है। लेकिन इसके अंदर कहीं गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। लोगों को पता है कि अगर आपने पीपीएफ के अंदर पैसा डिपॉजिट किया है तो उसके ऊपर टैक्स फ्री है, ठीक है, एग्जम्प्ट है वो तो। लेकिन वही अगर आपने पैसा किसी और इन्वेस्टमेंट के अंदर रखा है, या फिर हम बात करें कि वही आपने एक एफडीआई बना के रखी है, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर देखा कि पीपीएफ अकाउंट्स के अंदर कई सारी इरेगुलरिटीज जो है वो आ रही है, नजर आई है। तो ऐसे जिस भी अकाउंट के अंदर इरेगुलरिटीज नजर आई हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए हैं और गाइडलाइंस इशू कर दी गई है वो बैंक्स को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करें इरेगुलर नेशनल सेविंग स्कीम। तो इरेगुलर नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर भी उन्होंने यही बोली है कि अगर आपने कोई नेशनल सेविंग स्कीम किसी भी तरह की ली हुई है, अगर कहीं पे भी गवर्नमेंट को पता चल रही है कि वो इरेगुलर है, तो उस केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, या तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट, पोसा मतलब POSA क्या होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट जो है वही रेट मिलेगा, या फिर उसके ऊपर कहीं पर भी आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियरली उन्होंने ये क्यों बोल दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिसके अंदर लोग इसलिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ताकि उसके ऊपर जो भी उनको इंटरेस्ट आए वो टैक्स फ्री रहे, ठीक है, उस इंटरेस्ट के ऊपर एग्जम्पशन मिल जाए, उनको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़े, उस इंटरेस्ट के ऊपर उनको टैक्स नहीं देना पड़े। लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे देखा कि कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि इरेगुलर हैं, तो उसके लिए उन्होंने आगे के लिए क्या नोटिफाई कर दिया है कि अगर किसी भी पर्सन ने इस तरह का कोई भी अकाउंट जो ओपन किया होगा जो कि इरेगुलर है, तो उस केस में उसको उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स ओपन अंडर अ माइनर्स नेम, हालांकि पीपीएफ अकाउंट जो है वो माइनर के नेम के ऊपर ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। आज के डेट में तो अगर आप ओपन करने चाहते हो तो आप माइनर के नेम के ऊपर ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे पुराने अकाउंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के नजर के अंदर आए हैं, जो कि माइनर के नाम के ऊपर आप लोगों ने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया हुआ है, और अपने नाम के ऊपर भी जो इंडिविजुअल है, जो उसके पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी अपने नाम के ऊपर पीपीएफ अकाउंट ओपन किया हुआ है, और माइनर के नाम के ऊपर भी उन्होंने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो उस केस में क्लियरली उन्होंने बोल दिया है कि अगर कोई भी माइनर के नेम के ऊपर पीपीएफ अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो उस अकाउंट के ऊपर सिर्फ जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट है वही आपको मिलेगा, दूसरा इंटरेस्ट जो पीपीएफ का इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। बेसिकली अगर आपने माइनर के नाम के ऊपर ओपन किया है सिर्फ पीपीएफ का बेनिफिट लेने के लिए, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है, आपने अकाउंट ओपन किया हो, एक सेविंग्स अकाउंट की तरह हम उसे ट्रीट करेंगे, और सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो पोस्ट ऑफिस के अंदर है तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा, जब तक कि माइनर 18 ईयर्स का नहीं हो जाता। और एक बार जो माइनर है वो 18 ईयर्स की अपनी एज अटेन कर लेगा तो वो एक नॉर्मल पीपीएफ अकाउंट की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा। होल्डिंग मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट्स, ठीक है, अब ये भी नजर में आया है कि एक पर्सन के नेम के ऊपर कई सारे पीपीएफ अकाउंट्स उसके चल रहे हैं, उसने क्या किया,
ए के अंदर अपने एक पीपीएफ अकाउंट ओपन किया, देन बैंक बी के अंदर एक दूसरा पीपीएफ अकाउंट ओपन कर दिया। अब इसका भी रीजन अगेन वही है कि अगर आप लेट अस सपोज कि अगर आप दो बैंक के अंदर अपने दो एफडीएस बनाते हो, तो दोनों एफडीए के ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट करते हो, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट आपका एग्जम्प्ट रहेगा। बट उसकी एक कंडीशन है कि पीपीएफ अकाउंट के अंदर आप 1 साल के अंदर मैक्सिमम 1,50,000 तक ही आप अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। इससे ज्यादा आप अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो ये भी गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखी हुई है। अब क्या हुआ, होल्डिंग मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट्स, लेट अस सपोज एक पर्सन है, उसने दो अकाउंट अपने ओपन कर दिए, तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपने दो अकाउंट ओपन किए और फर्स्ट अकाउंट के अंदर अगर आपने पूरा 1.5 लाख जो है वो डाल दिया, तो एक अकाउंट के ऊपर ही पीपीएफ का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेटेस्ट सपोज कि उसको पीपीएफ अकाउंट एक को ही माना जाएगा और जो सेकेंड अकाउंट के अंदर जो भी आपने पैसा डिपॉजिट किया है उसके ऊपर आपको सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट की तरह इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें और अगर इससे ज्यादा भी आप लोगों ने कहीं किया हुआ है, विल अर्न 0% इंटरेस्ट फ्रॉम द ओपनिंग डेट्स, उन्होंने क्या बोल दिया 0% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, मींस मैक्सिमम आपको 1,50,000 तक ही जो आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे अपने पीपीएफ के अकाउंट के अंदर उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन कर रखे हैं और 1.5 लाख से ज्यादा अगर आप वहां पे डिपॉजिट करते हो, तो 1.5 लाख के ऊपर हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, उसके ऊपर कुछ भी पैसे तो उसके ऊपर 0% इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस सपोज कि मिस्टर ए है, उसने क्या किया, उसने अपने दो पीपीएफ अकाउंट ओपन कर दिए, पीपीएफ अकाउंट 1 और पीपीएफ अकाउंट 2 के नाम से हम लोग इसे कंसिडर करते हैं। पीपीएफ अकाउंट 1 के अंदर उन्होंने अपना डिपॉजिट कितना किया, 1 लाख डिपॉजिट कर दिया, और पीपीएफ अकाउंट 2 के अंदर भी उन्होंने अपना 1 लाख डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो टोटल उन्होंने 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दिए इस तरह से। और अगर वो एक अकाउंट के अंदर करवाते तो मैक्सिमम कितना करवा सकते थे, 1,50,000। उन्होंने क्या किया, दो बैंक के अंदर अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन किया, दोनों के अंदर 1-1 लाख जो है वो डिपॉजिट किया कि ताकि मेरे को 2 लाख के ऊपर वो इंटरेस्ट मिल जाए। अब गवर्नमेंट ने इस चीज को पकड़ लिया, गवर्नमेंट ने क्या कहा, 1 लाख जो आपने पीपीएफ अकाउंट 1 जो आपने ओपन किया उसके ऊपर 1 लाख के ऊपर हम आपको पीपीएफ अकाउंट ट्रीट करते हुए पीपीएफ का इंटरेस्ट पे करते। ठीक है, सेकेंड अकाउंट जो पीपीएफ 2 के अंदर आपने जो 1 लाख रुपीज अगेन डिपॉजिट किया, तो कितना 50,000 आपको बैलेंस चाहिए था, 1 लाख का तो आपने इंटरेस्ट दे दिया, 50,000 का हम आपको और पीपीएफ अकाउंट ट्रीट करते हुए पीपीएफ का इंटरेस्ट दे सकते। जो बैलेंस आपका 50,000 आपने डिपॉजिट किया उसके ऊपर आपको 0% इंटरेस्ट मिलेगा। मीन्स कि अगर आपने एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट भी ओपन करवा रखे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट भी है चाहे भले ही आपके, तो मैक्सिमम अमाउंट दोनों के अंदर आप 1,50,000 ही डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा डिपॉजिट करवाते हैं, 1,50,000 से ज्यादा अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हैं, तो 1,50,000 के ऊपर जो भी अमाउंट है तो उसका 0% इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि इसके अंदर मिस्टर ए ने 2 लाख रुपीज दो पीपीएफ अकाउंट के अंदर करवाए, तो गवर्नमेंट उसको 1,50,000 तक ही उसको पीपीएफ का इंटरेस्ट पे करेगी, बाकी 50,000 जो इंटरेस्ट करवाया जो डिपॉजिट करवाया उसके ऊपर 0% इंटरेस्ट मिलेगा। राइट, तो ये दो केसेस मेनली जो गवर्नमेंट ने पकड़े हैं कि लोगों ने क्या किया, क्या बेनिफिट लिया, कि माइनर के नेम के ऊपर जो है पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा दिया, और सेकेंडली एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट जो है वो ओपन करवा कर रखे हुए हैं। अब है एक्सटेंशन ऑफ अ पीपीएफ अकाउंट बाय अ नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई। अगर किसी ने पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन करवा दिया है और उसका आज की डेट में स्टेटस क्या हो गया, एनआरआई, तो उसने इसके लिए क्या बोल दिया कि 30 सितंबर के बाद अगर एनआरआई स्टेटस है आपका, तो उस केस में आपको इस अकाउंट के ऊपर 0% इंटरेस्ट मिलेगा। बेसिकली जो पीपीएफ अकाउंट के जो भी आपको इंटरेस्ट के ऊपर एग्जम्पशन मिल रही है, ये किसके लिए, जो रेजिडेंट सिटीजन है। ठीक है, जो रेजिडेंट है उनके लिए अगर आपका स्टेटस जो है एनआरआई हो जाता है, तो उस केस में आपको 0% इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। रेगुलराइजेशन ऑफ कन्या समृद्धि अकाउंट इनिशिएटेड बाय ग्रैंड पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ गार्डियंस। अब इसके अंदर क्या आया कि जो कन्या समृद्धि अकाउंट है, जैसे कि मैंने आपको बात की कि इसके अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे अपने पीपीएफ अकाउंट के साथ, तो कुछ परसेंट मेयरली 0.5% या 0.6% इसका पीपीएफ अकाउंट से भी ज्यादा इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, और जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, बेसिकली आप अपने गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन करवा सकते हैं, फर्स्ट गर्ल चाइल्ड के लिए भी और सेकंड गर्ल चाइल्ड भी अगर आपकी है तो उसके लिए भी ओपन कर सकते हैं। अभी के लिए दो ही आप ओपन करवा सकते हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर भी क्या आया, ये पेरेंट्स अपना ओपन करवा सकते हैं। इसके अंदर भी क्या आया कि कहीं उन्होंने देखा कि ग्रैंड पेरेंट्स ने भी जो अपने ग्रैंड डॉटर्स हैं उनके नेम के ऊपर कन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर दिया, और जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी अपने डॉटर के नेम के ऊपर कन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर दिया। तो बेसिकली एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक उसके पेरेंट ओपन कर दिए, एक उसके ग्रैंड पेरेंट्स ओपन कर, ठीक है, क्यों, उस चीज का बेनिफिट लेने के लिए। देखा जाए तो उन्होंने तो बेनिफिट लिया अपना किसी तरह से। एक गर्ल चाइल्ड के लिए आपने दो अकाउंट्स ओपन कर दिए, एक पेरेंट्स ने ओपन कर दिए, एक ग्रैंड पेरेंट्स ने ओपन कर दिए, क्योंकि इसके अंदर में जो आप पैसा डिपॉजिट करेंगे, पहले 50,000 तक की एक साल के अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट है फ्रॉम इनकम टैक्स। तो आपने क्या किया, बेनिफिट लेने के लिए दो अकाउंट्स ओपन कर दिए। अब गवर्नमेंट की नजर इसके ऊपर भी आ गई कि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर पेरेंट्स ने भी ओपन करवा रखा, ग्रैंड पेरेंट्स ने भी ओपन करवा रखा। तो इस केस के अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अगर कोई भी ऐसा अकाउंट जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स ने ओपन किया हुआ है तो उसकी भी गार्जियनशिप जो है वो पेरेंट्स को ट्रांसफर कर दी है, अगर वो अलाइव पेरेंट्स है, ठीक है। अगर तू किसी के अलाइव पेरेंट्स नहीं है, देन इट्स ओके कि वो ग्रैंड पेरेंट्स ने ओपन किया हुआ है, बट अगर उसके पेरेंट्स अलाइव है तो उसके लिए पहले तो गवर्नमेंट ने बोला कि उसको ट्रांसफर कर दो आप पेरेंट्स के नेम के ऊपर। जब वो उसकी गार्जियनशिप जो है पेरेंट्स के नेम के ऊपर आ जाएगी तो वहीं से पता चल जाएगा कि उसके पेरेंट ने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, और जब वो एक से ज्यादा वहां पे ओपन किया होगा तो उसको इरेगुलर अकाउंट जो है वो ट्रीट किया जाएगा। तो उस केस में अगर एक से ज्यादा हो जाएंगे तो एक अकाउंट ओके होगा, जो सेकेंड अकाउंट होगा वो इरेगुलर अकाउंट ट्रीट किया जाएगा, और इरेगुलर अकाउंट को आपको क्लोज ही करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर आपको कन्या समृद्धि अकाउंट का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये सारे के सारे ऐसे केसेस देखे जिसके अंदर उसको क्या लगा कि कुछ पीपीएफ अकाउंट जो लोग हैं कि लीगल वे से ही एक तरह से ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पीपीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट की इनकम आती है वो एग्जम्प्ट है फ्रॉम इनकम टैक्स। तो लोग क्या कर रहे हैं, उसका बेनिफिट लेने के लिए एक से ज्यादा बैंक के अंदर अपने पीपीएफ अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अलग अलग पीपीएफ अकाउंट के अंदर पैसा रख रहे हैं, उसकी एग्जम्पशन ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट की एग्जम्पशन ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर नजर रखी, उसको वॉच किया, और उसके लिए उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से ये सारे नए रेगुलेशन दे दिए हैं पीपीएफ अकाउंट के लिए। अगर एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन किया हुआ है आपने तो 1,50,000 तक जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। अगर आपने माइनर के नेम के ऊपर अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उसे एक सेविंग अकाउंट ट्रीट किया जाएगा टिल कि वो माइनर आपका मेजर ना बन जाए, जब तक कि वो 18 ईयर्स की एज ना अटेन कर ले। अगर आपका कोई पीपीएफ अकाउंट जो है माइनर के अलावा, अगर हम बात करें, एक और हमने बात की थी यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट, हाँ, अगर वो एनआरआई के अकाउंट में है, एनआरआई के नेम से है, तो उस केस में भी कोई आपको इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि अकाउंट, अगर वो भी ग्रैंड पेरेंट्स से भी ओपन किया हुआ है और पेरेंट्स से भी ओपन किया हुआ है तो ग्रैंड पेरेंट्स की गार्जियनशिप पहले तो पेरेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाएगी, और वहीं पर अगर पता चलेगा कि एक पेरेंट्स के पास एक से ज्यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है एक गर्ल चाइल्ड के ऊपर, अगर आपने इससे ज्यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर दिया है तो उसे इरेगुलर अकाउंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा, और इरेगुलर अकाउंट को आपको क्लोज करना होगा। और अगर आपने भी कोई इस तरह से किया हुआ है तो इसे ध्यान में रखते हुए आपको अपना पैसा डिपॉजिट करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपने इसकी इसमें डिपॉजिट किया, एफडीआई में ना करवा के आपने पीपीएफ ज्यादा ओपन करवा लिया, किसी ने हो सकता है कि आपको गलत गाइड कर दिया कि पीपीएफ अकाउंट ज्यादा ओपन कर लो और उसके अंदर डिपॉजिट कर दो। अगर आपने भी ऐसे किया हुआ है तो उसके ऊपर जितना भी आपने गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अलावा पैसा डिपॉजिट किया उसके ऊपर आपको जीरो इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।